हाँ तो आज हम मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ेंगे। ये मैथमेटिकल रीजनिंग बहुत ही सिंपल और थोड़ा अजीब अजीब है, पर बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत छोटा सा भी टॉपिक है। और इससे एक क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, वो एक होगा, है ना। ओनली वन क्वेश्चन आता है, क्योंकि जेई मेन में हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है, तो इसका एक क्वेश्चन कंपल्सरी है, आएगा ही आएगा, और उसको हमें बिल्कुल सही करना है मैथमेटिकल रीजनिंग का, ठीक है। और ये बहुत आसान होता है, इसको हम सीखते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे फिजिक्स में शायद वो पढ़ा होगा, सेमीकंडक्टर पढ़ा है क्या फिजिक्स में? बताइए, फिजिक्स में सेमीकंडक्टर पढ़ चुके हो क्या? सेमीकंडक्टर में गेट्स पढ़े होंगे, एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, जॉर गेट, अभी नहीं पढ़े है ना, ठीक है, कोई बात। यहाँ पर पढ़ लोगे तो गेट्स सॉल्व करने में हेल्प होगी, और यदि वो पढ़ चुके होते तो यहाँ पर हेल्प होती, कोई बात नहीं, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसको अच्छे से पढ़ लेना, तो जो एंड गेट, नॉट गेट, जॉर गेट, और गेट, बहुत सारे गेट होते हैं, लॉजिक गेट जिसको बोला जाता है, उस लॉजिक गेट को सॉल्व करने में कुछ कुछ आइडिया मिल जाएगा। वहां पर जो मेन चीज होती है, एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल को बोला जाता है ट्रुथ टेबल। टेबल को क्या बोला जाता है? ट्रुथ टेबल। उस ट्रुथ टेबल को बनाना हम यहाँ सीखेंगे, और ये पूरी चीज वहां पर एज इट इज समझ में आएगी, अच्छे समझ में आ जाएगी, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो पहले हम थोड़ा सा थ्योरी की बात कर लेते हैं इसकी, तो उससे हम अच्छे से इसको समझेंगे। कि यहाँ पर हमें सबसे पहले चेक करना होता है, बताना होता है एक कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट के बारे में, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट तो हमें ये बताना होता है, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है सिंपल सा, वैसे तो बहुत रेयरली चांस है, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है, कि कौन सा स्टेटमेंट मैथमेटिकल स्टेटमेंट है या फिर मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। तो ये किस पर डिपेंड करता है? कि कोई भी स्टेटमेंट मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहलाता है यदि वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, आइदर ट्रू और फॉल्स। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता कोई स्टेटमेंट कभी सही और कभी गलत। जैसे किसी ने बोल दिया सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो ये जो स्टेटमेंट है ऑलवेज ट्रू है, तो इसको स्टेटमेंट बोलेंगे। किसी ने बोला सन राइजेस फ्रॉम द वेस्ट, तो ये स्टेटमेंट हमेशा गलत है, इसलिए इसको भी स्टेटमेंट बोला जाएगा। तो कोई भी स्टेटमेंट या तो पूरी तरह सही हो या फिर पूरी तरह गलत हो, तो उसको स्टेटमेंट बोला जाता है। यदि किसी ने ऐसा बोल दिया टुमारो टुमारो इज सैटरडे, तो मुझे बताइए टुमारो इज सैटरडे ये एक स्टेटमेंट है, तो क्या हम इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोल सकते हैं या नहीं? इट इज करेक्ट और रॉन्ग? इसको हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि आज यदि मैं इस स्टेटमेंट को पढ़ता हूं तो मैं बोलूंगा ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बट यदि सेम स्टेटमेंट मैंने कल पढ़ा, तो कल तो सैटरडे होगा, तो टुमारो इज संडे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, और ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो आज सही है ये स्टेटमेंट, लेकिन कल सही नहीं है। तो कोई भी स्टेटमेंट जो हमेशा सही हो, ऑलवेज ट्रू, उसको बोला जाता है मैथमेटिकल स्टेटमेंट, या फिर हमेशा वो गलत होना चाहिए। यदि मैं इसको इस तरह से बोलूं, इसी स्टेटमेंट को थोड़ा अलग तरीके से हम बोल देते हैं, कि 30 जनवरी 2021 इसको क्या है? सैटरडे। तो अब कभी भी इस स्टेटमेंट को बोला जाए, तो यहाँ डेट स्पेसिफाई कर दी, डे स्पेसिफाई कर दिया, 30 जनवरी 2021 को सैटरडे है, तो ये हमेशा ही ट्रू है, तो इसलिए स्टेटमेंट भी होगा। यदि मैं यहाँ बोल दे 29 जनवरी 2021 को सैटरडे है, तो वो भी स्टेटमेंट होता, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या है? हमेशा ही रॉन्ग है। तो ये समझ में आ गया स्टेटमेंट कब होता है कब नहीं होता है मैथमेटिकल स्टेटमेंट के बारे में?
ठीक है, तो हमने क्या किया, कोई भी स्टेटमेंट यदि हमेशा सही है तब भी हम उसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलते हैं, और कोई भी स्टेटमेंट यदि हमेशा गलत है तब भी हम उसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो जैसे हमने बात की थी कि सन ईस्ट पूरब से निकलता है, सूरज पूरब में उगता है, तो स्टेटमेंट हमेशा सही है इसलिए इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलेंगे। और हमने दूसरा स्टेटमेंट लिया कि सन पश्चिम से, सूरज पश्चिम से उगता है, ये स्टेटमेंट हमेशा गलत है इसलिए इसको भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलेंगे। और टुमारो इज सैटरडे, ये स्टेटमेंट की बात करें तो ये आज सही है लेकिन कल गलत होगा, तो ये कभी सही और कभी गलत, तो इसलिए इसको हम स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। लेकिन डेट के साथ लिख दिया तो ये हमेशा सही है, तो इसलिए उस चीज को स्टेटमेंट बोला जाएगा। तो देखो कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। स्टेटमेंट तो अभी हमने सीख लिया, स्टेटमेंट्स के बाद एक और चीज आती है उसको बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होते हैं? कंपाउंड स्टेटमेंट ऐसे स्टेटमेंट होते हैं कि जहां मोर देन वन स्टेटमेंट को, टू और थ्री और फोर स्टेटमेंट्स को जब ज्वाइन कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? कंपाउंड, कंपाउंड स्टेटमेंट। और इनको जोड़ने वाली चीज को क्या बोलते हैं? कंजक्शन। और वो इंग्लिश के टर्म्स है, उसमें हमें बात नहीं करनी है। मेनली हम किससे ज्वाइन करते हैं? हम एंड और, इनसे हम ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पर हम इनका अलग अलग यूज देखेंगे। सबसे पहले हम किसका यूज देखते हैं? एंड का। तो एंड को हम किस तरह से यूज करते हैं ये हमें सीखना है। तो पहले हम सिंबल, यहाँ पर सब काम है ना सिंबल्स में होगा, कि यदि हम टू स्टेटमेंट लेते हैं, हमने क्या लिया? टू स्टेटमेंट्स, टू स्टेटमेंट्स लिए हमने, पी पी और क्यू, है ना, पी एंड क्यू, टू स्टेटमेंट्स हमने ले लिए। तो यहाँ पर जो एंड है इसका एक सिंबल भी होता है। इसका सिंबल क्या होता है? ये पावर वाला जो साइन होता है ना, ये इसका सिंबल होता है एंड का। तो पी एंड क्यू, या तो हम ऐसा लिख सकते हैं पी एंड क्यू, पर इसको हम सिम्बॉलिकल फॉर्म में क्या लिखते हैं? इसको लिखा जाता है पी और इस तरह से पावर वाला साइन लगा के क्यू। इसका मतलब है क्या लिखा हुआ है? P एंड Q, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या ट्रुथ टेबल बनानी होती है। इसमें ट्रुथ टेबल कैसे बनती है? तो इन सब की ट्रुथ टेबल हमें याद रखनी है, पर याद करने के भी कुछ तरीके हैं, उस तरीके को हमें सीखना है। जैसे ही वो तरीका हमने सीख लिया तो किसी भी क्वेश्चन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत आसान है। तो इस तरह हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे। अच्छा एक और बनाना होगा, इस तरह से हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। अब यहां पर हम क्या क्या लिखेंगे? एक तो P लिखेंगे, एक Q, टू स्टेटमेंट्स है ना, एक P है और एक Q है। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? P एंड Q, हमने यहाँ क्या लिख दिया? P एंड Q। इसको मैं और पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो P और Q की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं वो हम देखते हैं। तो देखो मैंने क्या किया, एक बार P और Q, अब देखो कोई भी स्टेटमेंट है या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो मैंने एज्यूम किया पहले P भी ट्रू है, Q भी ट्रू है, और क्या पॉसिबिलिटी है? P ट्रू हो गया, Q फॉल्स हो गया, एक पॉसिबिलिटी P फॉल्स Q ट्रू, और एक पॉसिबिलिटी है कि दोनों ही क्या हो गए? फॉल्स हो गए। तो देखो ये सब पॉसिबिलिटी होंगी, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी दिख रही है क्या?
दोनों ट्रू, पहला वाला ट्रू दूसरा वाला फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू और दोनों फॉल्स, ये पॉसिबिलिटी है। अब जब हमें एंड वाले के लिए हमें कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन नहीं करना होता पर इसकी प्रॉपर्टी याद रख लो, किस तरह से ट्रू टेबल हमें याद करनी है कि एंड वाले में मैं यहाँ फोर वैल्यू जाएंगी है ना, चार अलग अलग कंडीशन के लिए, तो केवल एक बार ट्रू आएगा और तीन बार फॉल्स आएगा। मतलब एक केस में हमें ट्रू मिलेगा आंसर और थ्री केसेस में क्या मिलेगा, फॉल्स। तो हम याद कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हो कि एंड में ट्रू कब मिलता है, ट्रू एक बार मिलता है तो केवल ट्रू वाली कंडीशन याद रख लेंगे और बाकी सारी कंडीशन में हम क्या लगा देंगे, फॉल्स लगा देंगे। तो ट्रू कब मिलता है, इस ट्रू कि एंड में क्या था, पी एंड क्यू, ऐसे लिखो पी एंड क्यू इज ट्रू Only if P and Q both are true. मतलब P और Q दोनों ही true हैं तभी P and Q true होगा, मतलब इस केस में true होगा, P को भी true होना चाहिए, Q को भी true होना चाहिए। यदि दोनों में से कोई भी एक false हो गया तो हमारा आंसर क्या मिल जाएगा, false, false, false। ठीक है, तो ये ट्रू टेबल याद करनी है हमें, कैसे याद करोगे, एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू हैं तो हमें आंसर ट्रू मिलेगा, कोई भी एक फॉल्स है तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब इसी तरह से हमें किसका याद करना है, और का, और में भी हमें पी और क्यू टू स्टेटमेंट्स लेने, इसको सिंबोलिकली लिखा जाता है पी और जो ए का साइन था उसको बस पलट दो, ये हो जाता है पी और क्यू। तो हम यहां पर ही इसके आगे ही बनाते हैं, हम तो यहां पर P और Q इसके बारे में हम करें, तो P और Q में क्या होता है, जैसे अभी हमने देखा था P एंड Q में एक बार ट्रू आता है, थ्री बार थ्री टाइम्स फॉल्स आता है, P और Q में उल्टा होता है, एक बार फॉल्स आएगा और थ्री टाइम्स क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, वन टाइम फॉल्स एंड थ्री, हाँ सॉरी वन टाइम, हाँ सॉरी वन टाइम फॉल्स एंड थ्री टाइम्स ट्रू। तो हम याद कर लेते हैं फॉल्स कब होगा, तो यहां लिख देते हैं पी और क्यू इज फॉल्स ओनली इफ पी एंड क्यू बोथ आर फॉल्स, कि जब दोनों ही फॉल्स होते हैं तभी फॉल्स होता है। मतलब P और Q में फॉल्स कब मिलेगा, जब ये P और Q दोनों एक साथ फॉल्स हो गए, अदरवाइज हमेशा क्या मिल जाएगा हमें, ट्रू ट्रू ट्रू। या फिर हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, P और Q में से ये जो और वाला है इसमें एटलीस्ट वन, P और Q में से कोई भी एक यदि ट्रू हो गया तो फिर हमें आंसर क्या मिलेगा, ट्रू, और दोनों ही फॉल्स हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स। इस सबको नोट कर लो, इसको भी नोट कर लो, एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे, एग्जाम्पल की अभी चिंता मत करो, हमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, अभी केवल इसको नोट करते जाओ और जो मैंने याद करने का तरीका बताया बस इसको याद करो, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब देखना बहुत आसान हो जाएंगी चीजें। इसको नोट कर लो, नोट करने के बाद डन लिखकर मैसेज करो।
चलो आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा एक चीज, चलो थर्ड चीज भी हम यही देख लेते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं निगेशन, निगेशन के बारे में हम सीख लेते हैं। आपके लिए निगेशन क्या होता है? तो निगेशन क्या होता है? जस्ट अपोजिट। निगेशन क्या होता है? जस्ट अपोजिट करना। जैसे यदि मैं एक सिंपल से ट्रुथ टेबल बनाता हूँ, पी इधर और निगेशन का साइन ये होता है लहराता हुआ माइनस। निगेशन क्या होता है? लहराता हुआ माइनस। तो ये निगेशन हम इसके ट्रुथ टेबल यदि बनाएंगे तो यदि पी को मैंने ट्रू लिया तो निगेशन पी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। पी को यदि मैंने फॉल्स दिया तो निगेशन पी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो बस निगेशन का काम इतना सा होता है, ट्रू को फॉल्स बनाना, फॉल्स को ट्रू बनाना। इसको भी नोट करो। ओके नोट हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी तीन चीजें देखी। क्या क्या देख लिया हमने? एंड से ज्वाइंट करना, और से ज्वाइंट करना, और एक निगेशन देख लिया, निगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट। तो निगेशन की हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसकी हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज में क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसकी बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज होती हैं कि निगेशन ऑफ निगेशन पी, यदि इसके बारे में हमसे बात की जाए तो हम इसको क्या लिखते हैं? ये क्या आ जाता है? वापस पी। किसी स्टेटमेंट का निगेशन लिया है और निगेशन का अगेन निगेशन मिल गया तो हमें पी मिल जाएगा। लाइक इसे उल्टे का उल्टा सीधा होता है, सिंपल वही केस होता है। सेकेंड, और सेकेंड और थर्ड क्या है? डी मोबियस थ्योरम। इस डी मोबियस थ्योरम का काफी जगह पढ़ते हो। देखो एक बार कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था कॉन्जुगेट के फॉर्म में, सेकेंड इसको पढ़ते हो लॉजिक गेट्स में, और थर्ड मैथमेटिकल रीजनिंग में। ये क्या होता है? निगेशन ऑफ पी एंड क्यू और निगेशन ऑफ पी और क्यू। दो स्टेटमेंट है पी एंड क्यू, एंड पी और क्यू टू कंपाउंड स्टेटमेंट, इनका क्या लेना है हमें? निगेशन। तो ये पी एंड क्यू, तो ये क्या करता है? दोनों को निगेशन बना देता है, निगेशन पी, और ये साइन है, ये साइन क्या होता है? पलट जाता है, एंड की जगह क्या बन जाएगा? और निगेशन क्यू। याद है कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, सेट्स में पढ़ी थी डी मोबियस थ्योरम, वहां हमने यूनियन पढ़ा था, ऐसा ए यूनियन बी होता था, ए यूनियन बी होता था और इसका बार। तो इस ए यूनियन बी के बार को हम क्या लिखते थे? ए बार बी बार, और यूनियन को क्या बना देते थे हम? इंटरसेक्शन, है ना? और यदि हम ऐसा लिखते थे ए इंटरसेक्शन का होल बार, तो ये क्या हो जाता था? इंडिविजुअल बार, इंडिविजुअल बार, और बीच में इंटरसेक्शन की जगह क्या हो जाता था? यूनियन, है ना?
इस तरह से प्रॉपर्टी होती है। और यहाँ पर भी क्या होगा, दोनों नेगेशन में आ जाएंगे और की जगह क्या साइन आ जाएगा, एंड का। तो ये थ्री प्रॉपर्टीज हैं, ये हमें याद रखनी है। इसको भी नोट करो, प्रॉपर्टीज को। ओके हो गया नोट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सीखें कंडीशनल स्टेटमेंट। केवल दो तरह के स्टेटमेंट और बाकी हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट में दो तरह के स्टेटमेंट होते हैं, एक होता है सिंगल इम्प्लाइज, लाइक पी इम्प्लाइज क्यू, इस तरह का स्टेटमेंट होता है। और एक होता है पी Both side implies Q, ऐसा। अब इसमें ना कई बार ना सिंगल डंडा भी मिल जाता है, कभी डबल भी मिल जाता है, तो उससे डरना नहीं है हमें, सिंपल ये देखना है। ऐसा भी यहाँ पर भी डबल मिल सकता है, एक तरफ एरो है तो हम सिंगल इम्प्लाइज बोलते हैं, दोनों तरफ एरो है तो हम डबल इम्प्लाइज बोलते हैं। तो इन दोनों के बारे में बात करनी है, तो इन दोनों की हम ट्रिप टेबल बनाते हैं, उससे हम सीखेंगे।